हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई, आज का जो अपना व्लॉग है वो पूरा होने वाला है श्री माता वैष्णो देवी से रिलेटेड और वहाँ की जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आज मैं वो सारी आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। कि बहुत से मेरे भाई हैं जो वहाँ पे जा रहे होंगे या जाने का प्लान कर रहे होंगे, तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको वो सारी डिटेल देने वाला हूँ कि ऑनलाइन हमें रोपवे, बैटरी कार या हेलीकॉप्टर की कोई भी बुकिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे और वो वहां पे लिखना है माता वैष्णो। आप जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, जब सबसे पहला जो लिंक आएगा जिसमें लिखा होगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, आपको केवल इसी वेबसाइट पर जाना है। क्योंकि जितनी भी माता वैष्णो देवी से रिलेटेड जितनी भी वहाँ की जो बुकिंग्स होती हैं रोपवे की, बैटरी कार की या फिर हेलीकॉप्टर की, तो वो सारी केवल इसी वेबसाइट से होती है। तो आपको किसी और अदर वेबसाइट पर नहीं जाना है, आपको केवल जाना है इस वाली वेबसाइट पर जिस पर लिखा है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और ये इसकी वेबसाइट है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखने वाला है। तो जैसा कि हमें ऑनलाइन जो भी हमें बुकिंग करनी है, तो यहाँ पर आप देखोगे रेड कलर का एक बटन बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो अलग से एक विंडो खुलती है, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉग इन विथ मोबाइल नंबर, यानी आपको एक मोबाइल नंबर डालना है अपना कोई भी, और उस पर एक OTP आएगा जिसके थ्रू आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। बट इससे पहले अगर मैं नीचे स्क्रोल करूँ तो आप देखोगे साइड में ना कुछ रिसेंटली अपडेट आई हुई है, यानी जो हाल फिलहाल से रिलेटेड अपडेट है। जैसे आप देखोगे कि एडवांस बुकिंग जो रोपवे के लिए है वो मंथ ऑफ जनवरी की अवेलेबल है, ऐसे ही एडवांस बुकिंग फॉर ऑल सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024, यानी एक्सेप्ट रोपवे वो भी अवेलेबल है। तो इस तरह की जो भी रिसेंटली अपडेट आती है वो आपको साइड में दिख जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मस्ट रीड बिफोर ऑनलाइन बुकिंग, यानी आपको ऑनलाइन बुकिंग से पहले आपको ये एक बार पढ़ लेनी चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को एक लगता है वो ये हमारा 5th bullet point है जिसमें लिखा हुआ है कि श्राइन बोर्ड हैज नॉट ऑथराइज्ड एनी एजेंट फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ दर्शन, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, एकोमोडेशन एंड अदर सर्विस। यानी श्राइन बोर्ड ने कोई भी एजेंट हायर नहीं कर रखा है इस चीज़ के लिए कि वो ऑनलाइन बुकिंग कर सके। तो आप बस इसमें थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, आप किसी एक थर्ड पार्टी पर ना जाके आपको केवल इसी वेबसाइट पर जाना है। आप इसको ध्यान से देख लो, matavaishnodevi.org, आपको इस नाम की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। तो अब हम लॉग इन करते हैं और फिर आगे अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ऑनलाइन हमें जैसे रोपवे या फिर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा अपने मोबाइल पर, तो हमें वो OTP डालना है यहाँ पर। तो जैसे कि मैं OTP डाल देता हूँ एंड देन लॉगिन। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये अपनी प्रोफाइल बना रखी है और मैंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाली हुई है, ठीक है, ताकि मेरे को ये बार बार फिलअप ना करना पड़े, जैसे मोबाइल नंबर, एड्रेस और मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब मैंने पहले से यहाँ पे फिल किया हुआ है। इस जैसे ही आप नीचे जाओगे आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी दिखेंगी, जैसे एक पहली है डोनेशन के लिए, एक दूसरी है पूजा आरती एंड प्रसाद के लिए, एंड थर्ड है दर्शन, एकोमोडेशन एंड ट्रैवल के लिए। यानी आप थ्रू आउट द जर्नी जैसे आपको जिन चीज़ों की बेसिक नीड पड़ने वाली है, जैसे मैं बता दूं कि जितने भी लोग जो अभी तक माता वैष्णो देवी के धाम पे नहीं गए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि वहाँ पर जाने से पहले ना आपको एक यात्रा पर्ची बनवानी पड़ती है, ठीक है। तो उसका आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखेगी आपको, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ढंग से पढ़ लेनी है। जैसे कि मैं आपको एक दो इसमें बता देता हूँ, क्या है कि जो यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप इज नॉट है कन्फर्मेशन फॉर यात्रा टू भुवन फॉर हैविंग दर्शन एट द श्राइन, यानी जो ये यात्रा स्लिप है ये कन्फर्मेशन नहीं है। इसके लिए आपको 2nd bullet point पर आप जब जाओगे, डिवोटी विल बी अलाउड टू प्रोसीड टू भवन फॉर दर्शन ओनली आफ्टर कलेक्टिंग द RFID एक्सेस कार्ड। यानी आपको आप दर्शन के लिए केवल जब प्रोसीड कर सकते हैं जब आप RFID कार्ड कलेक्ट कर लेंगे, और वो आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, वहीं पर बस स्टैंड से, जस्ट बस स्टैंड के बिल्कुल नियर ही आपको श्राइन बोर्ड दिखेगा, काउंटर होगा जहाँ से आपको ये RFID कार्ड मिल जाएगा। कैसे, ऑन शोइंग द दिस स्लिप यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी आपको अपने मोबाइल में वो यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखानी है जहाँ से आप फिर वो RFID कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज, यानी 5
जो 5 साल से नीचे हैं उनके लिए ये इसकी मतलब नीड नहीं है, जो 5 साल से नीचे हैं उनके लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बुकिंग के लिए मैं बता दूं, जैसे कि मैंने पहले से ही अपनी प्रोफाइल बना रखी है, तो अगर मैं इस पर टिक करता हूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन अपने आप फिलअप हो जाएगी। अगर आपने नहीं बना रखा तो आपको यहाँ पर प्रॉपर आप अपना नाम डालना होगा। जैसे यहाँ पे आप पिलग्रिम नेम जो भी वहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो वो अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, जैसे मैं आपको फिल कर देता हूँ फटाफट जो भी है। जैसे ये नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, जो भी ईमेल आईडी है वो डालनी है, फिर जो भी एड्रेस है आपको वो डालना है। उसके बाद आप जिस भी कंट्री से हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट कौन सा है आपको वो सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी पड़ता है फिर आपको वो सिलेक्ट करना है, जो भी पिन कोड है आपको वो डालना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पिलग्रिम कितने हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी विजिटिंग डेट है वो आपको सिलेक्ट करनी है, एंड देन ओके। जैसे ही आप नंबर ऑफ पिलग्रिम सिलेक्ट करेंगे आप देखोगे नीचे आपको यहाँ पर टोटल आपको 3 बॉक्स मिलेंगे, जिसमें आपको जो भी वहाँ पे विजिटर हैं, जो भी जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी के धाम पे, तो उन तीनों की यहाँ पर डिटेल डालनी है, जिसमें आपको प्रोवाइड करना है नाम, जेंडर, एज जो भी है, और एक आपका आईडी प्रूफ लगेगा। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने एज डाल दी अपनी ये, और जैसे ही आप आईडी प्रूफ पे जाओगे तो आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी, इनमें से कोई आपको एक आईडी प्रोवाइड करनी है। ये सारे काम करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है, एंड देन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपका बनकर तैयार। उसके बाद आप वहां पर जो भी काउंटर है हमारा, जो बिल्कुल नियरेस्ट बस स्टैंड है, वहां पे आपको काउंटर से RFID एक्सेस कार्ड लेना है इस स्लिप को दिखा के। अब बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट यात्रा पर्ची, जो हमें रिक्वायर्ड है, ये चाहिए ही चाहिए थ्रू आउट द जर्नी। ये हमें जो RFID कार्ड मिलेगा वो हमें थ्रू आउट द जर्नी पूरा पहन के रखना है। अगर कोई श्रद्धालु रोप वे या हेलीकॉप्टर या फिर बैटरी कार से जाना चाहता है, जो थर्ड कैटेगरी है हमारी दर्शन एकोमोडेशन, इसी में आप देखोगे एकोमोडेशन, जिसमें आप जो डोरमेट्री होता है और होटल रूम होते हैं आप वो इससे बुक कर सकते हो। हेलीकॉप्टर की अगर आपको बुकिंग करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, और ये रहा बैटरी कार एंड देन रोप वे। तो मैं आपको एक बार इसका फटाफट इसका प्राइस वगैरह दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप हेलीकॉप्टर का बुक करते हो तो सेम इसमें भी फिर से वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो भी अपडेट है लेटेस्ट, जैसा कि लिखा हुआ है कि 16 अक्टूबर 2023 से इनके जो प्राइस हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, और अब 2100 पर टिकट हो चुका है। उसके बाद नंबर ऑफ पिलग्रिम कितने आपको फिर से वही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद आपका जो रूट है, आपको यहाँ पर टोटली 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कटरा से सांझीछात, सांझीछात से कटरा, और सेम डे अगर आप रिटर्न करते हो इसमें आपका क्या है कि आपका आना और जाना दोनों इंक्लूड है, और नेक्स्ट डे रिटर्न करते हो इसमें भी आपका आना और जाना इंक्लूड है, बस जो हमारा आना होगा वो नेक्स्ट डे होगा। तो अगर मैं बात करूं वन साइड के इसके अमाउंट की, तो जैसे मैं कटरा से सांझीछात सिलेक्ट करता हूँ, कटरा से सांझीछात सिलेक्ट करता हूँ, तो उसमें आप देखोगे यहाँ पर आपको दो तरह की हेलीकॉप्टर कंपनी मिलेंगी, एक है हिमालयन हेली सर्विस और दूसरी है ग्लोबल वेक्ट्रा। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो आपकी जो भी जर्नी डेट है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, अब जितने भी ये रेड पोर्शन आपको दिख रहे हैं ये सारी बुकिंग फुल हो चुकी है। अब फरवरी में भी देखोगे तो यहाँ पर भी सीट अवेलेबल नहीं है, अगर हम मार्च में जाते हैं तो यहाँ पर भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब जो बुकिंग है वो 3 मंथ तक की ही होती है, और 3 मंथ तक अब सारे हेलीकॉप्टर बुक्स हो चुके हैं, यानी अब सीट अवेलेबल नहीं है, तो अब आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। अगर सीट अवेलेबल होती तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन बन जाता, बट ये सारे रेड बने हुए हैं यानी सीट अवेलेबल नहीं है। बाकी मैं आपको अमाउंट दिखा देता हूँ कि अगर हम एक साइड से अगर दो पिलग्रिम जाते हैं, यानी मैं सिलेक्ट अगर एक करूँ, तो जो एक साइड का आपका जो हेलीकॉप्टर से जो आपका अमाउंट लगता है वो लगता है 2100 रुपये। अगर आप दो साइड से आना जाना अगर सेम डे रिटर्न भी करते हो तो आपका जो अमाउंट पड़ता है वो पड़ता है आपका टोटल 4200 रुपये, यानी आप हेलीकॉप्टर से आना और जाना कर सकते हो 4200 रुपये में। ठीक है, तो ये अमाउंट है, इसमें सेम वैसे ही डिटेल आपको भरनी है। ठीक है, जितने भी जाएंगे सबकी डिटेल डालनी है, एंड देन सबमिट। अब बात करते हैं रोप वे की, तो जैसे इससे पहले एक बैटरी कार भी है, तो बैटरी कार देख लेते हैं एक बार। तो बैटरी कार पर क्लिक करेंगे,
इसमें भी सेम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दी हुई है, वो आपको पढ़ लेना है। वो पिलग्रिम डाल दिया जितने भी हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन साथ में जितने भी हैं आपको वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। उसके बाद रूट आपका जो है, आप इसमें रूट आप देखोगे अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी, यानी जो बैटरी कार है वो अर्धकुंवारी से लेके भवन तक जाती है और भवन से अर्धकुंवारी आती है, यानी कटरा से लेके अर्धकुंवारी तक आपको वहां पे जो भी घोड़े वगैरह चलते हैं या फिर जो भी खच्चर वगैरह होते हैं आप उनसे जा सकते हो, ठीक है। बाकी अर्धकुंवारी तक आपको खुद मैनेज करके जाना होगा। अगर आप जा रहे हैं तो आपको अर्धकुंवारी से भवन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप इसमें नीचे आप देखोगे प्राइस आपको दिख जाएगा 354 रुपये, यानी आपका एक साइड का जो आपका किराया पड़ने वाला है वो आपका पड़ने वाला है 354 रुपये, ठीक है। जर्नी डेट जो भी होगी आपको वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी आपको डिटेल है सेम पिछले वाले प्रोसेस की तरह आपको फिल कर देनी है एंड देन सब। तो ये आपका वन साइड का किराया लगता है बैटरी से 354 रुपये। और मैं बता दूं जो बैटरी कार है वो अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक चलती है, यानी आप कटरा से अगर सोचो बाण गंगा वगैरह से, तो वहां से बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां से आप जो वहां पे खच्चर घोड़े वगैरह जो होते हैं आप उनके थ्रू आप जा सकते हैं, वो आपको मतलब जैसे आप जर्नी स्टार्ट करते हो आपको वहां पर मिल जाते हैं, या फिर पालकी वगैरह होती है तो आप उनसे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं रोप वे की। रोप वे के लिए भी सेम प्रोसेस, आपको थर्ड कैटेगरी में आना है और एंड देन रोप वे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो द टिकट अगर आप बुक कर लेते हैं उसके बाद ये नॉन रिफंडेबल है, और यात्रा रजिस्ट्रेशन विद RFID कार्ड इज मैंडेटरी, यानी वो जो RFID कार्ड जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जर्नी में लिया था वो मैंडेटरी है, वो आपको वहां पर दिखाना ही होगा। यहाँ पर फिर से आपको फिर वही नंबर ऑफ पिलग्रिम डालने कितने हैं, जैसे वन, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद रूट की बात करूँ तो मैं बता दूँ जो रोप वे है वो चलता है भवन से लेके भैरव जी तक का, यानी जैसे ही हम माता वैष्णो देवी के धाम पर पहुंचते हैं तो वहां से ना 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा और बचती है जो भैरव जी तक की है, ठीक है। तो वहां से रोप वे चालू होती है, अगर आप तो इसमें ये आना और जाना दोनों इंक्लूड होते हैं, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है भवन से भैरव जी और भैरव जी से भवन तक। तो आपको ये सिलेक्ट करना है और आप इसका जो अमाउंट आप नीचे देख पा रहे हो जस्ट 100 रुपीज है, यानी आपका आना और जाना दोनों हो जाएगा सिर्फ 100 रुपीज में, ठीक है। जो भी आपकी जर्नी डेट आपको वो सिलेक्ट करनी है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे सारा ग्रीन हुआ पड़ा है, यानी सीट अवेलेबल है। तो आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्लॉट भी दिखाएगा कि किस स्लॉट में, यानी जो टाइमिंग है किस टाइम में कितनी सीट अवेलेबल है, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो नीचे ये जो रिटर्न जर्नी डेट है सेम डेट की और रिटर्न स्लॉट भी देता है, यानी जस्ट 2 घंटे बाद का ये आपको स्लॉट देता है। यानी जब आप भवन से भैरव जी तक जाते हो तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब 2 घंटे बाद ही आपको फिर रिटर्न आना होता है, यानी आप जैसे 2 बजे का आप स्लॉट सिलेक्ट करते हो तो आपको 4 बजे फिर वापस आना है और फिर नीचे सेम डेट आपको सिलेक्ट करके और इसको प्रोसीड कर देना है। जो थर्ड कैटेगरी है इसी में अगर मैंने बस एक ऑप्शन नहीं बताया अकोमोडेशन का, तो मैं एक बार इसको भी बता देता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिलेगी, जैसे रूम विल नॉट बी अलॉटेड फॉर सिंगल पर्सन, यानी सिंगल पर्सन के लिए रूम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कॉइन डिपॉजिट फॉर डोमेट्री विल बी कलेक्टेड एट द सेम टाइम, यानी जब आप चेक इन करोगे आपको उसी टाइम डोमेट्री मिलेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं लोकेशन की, तो आपको यहाँ पर टोटल 5 लोकेशन मिलती है, जम्मू, कटरा, भवन, संजय छत और अर्धकुंवारी। तो आपको जहां भी रूम लेना है या डोरमेट्री लेना है तो आप वहाँ मतलब वो लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कटरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी मिलेंगे एकोमोडेशन में, आपको रूम चाहिए या डोरमेट्री। तो दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, क्या है कि रूम जो होता है आपका वो पर्सनल होता है जिसमें आप 2 लोग रुकते हैं, डोरमेट्री क्या होता है वो शेयरिंग में होता है। तो आप जैसे डोरमेट्री सिलेक्ट करते हो नंबर ऑफ डे यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा, यानी आप एक ही दिन के लिए ले सकते हैं। जो भी आपकी चेक इन डेट है जैसे देखोगे जो रेड है वो फुल है उस दिन की, और जो ग्रीन है आप उस दिन आप बुक कर सकते हो। तो जो भी डेट सिलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे बताएगा कि शक्ति भवन में नॉन एसी का जो रेंट है वो 150 रुपये और अवेलेबिलिटी है 42। त्रिकुटा भवन में आप देखोगे 150 रुपये, अवेलेबिलिटी 361, और SGC करके कुछ है वहां पर 200 रुपये चार्ज है जिसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डोरमेट्री सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रूम चाहिए तो रूम का भी मैं रेंट आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे हम रूम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो भी हम
डेट सिलेक्ट करते हैं, तो रूम का जो किराया है वो पड़ने वाला है 2 बेड के साथ 2200 रुपये का। तो इस तरीके से कुछ मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं, यानी होटल से लेके रोपवे से लेके बैटरी कार से लेके हर तरह की जितनी भी फैसिलिटी है वहाँ पे, जो हमें थ्रू आउट द जर्नी हमें जिनकी नीड पड़ती है, वो आप इस वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं।